शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मुझे पता है, ये बुआ जी ने ना कोई अपनी मर्जी से रस्म रख ली है। सब समझती हूँ मैं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, छीनना नहीं। तुम आराम करो, ये मैं रख लेता हूँ। रात को कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ठंड का मौसम है, वैसे भी बाहर लोग कम होते हैं, ऊपर से चोरियां भी इतनी बढ़ गई है। इन्हें रोकना पड़ेगा। ये कौन है? श्रद्धा, मुझे पता तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिससे तुम किसी भी चीज का मुकाबला कर सकती हो। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। चोर घर पे आए और मार मुझे पड़ेगी? मुझे क्या पता, मुझे लगा कि आप ही चोर हैं। हाँ हाँ, गुंडा मवाली तुम्हें खाई, अब चोर भी बना दो। धीरे बोलिए ना। क्या ही सोचती हो ना तुम मेरे बारे में? अबे ये क्या कह रहे हैं आप? आपने अंधेरा देखा है? कितना अंधेरा हो रखा है, और ऊपर से आप ये चोरों की तरह क्या किचन में बैठ के कर रहे थे? किसी को भी लगेगा कि आप चोर हैं। प्यास लगी थी, पानी पीने आया था मैं। अच्छा, प्यास लगी थी आपको, तो ये नीचे बैठ के क्या कर रहे थे आप? वो पानी पी के थोड़ी भूख लगी थी तो खाने को कुछ ढूंढ रहा। फिर घर में चोर घुसा और आपको खाने की पड़ी है? अच्छा, लड़ाई बाद में कर लेंगे, पहले चोर ढूंढ ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूँ ना। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, मेरी बात याद है ना तुम्हें? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं जाके उसे निपटता हूँ। नहीं 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 श्रद्धा, मैंने बोला ना, जाने दो, रुक जाओ। निकाली थे, चोरी करेगा? आवाज कैसी? नीचे से कुछ शोर की आवाज आ रही है। क्या? साले मुझे मारेगा? श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा कौन? श्रद्धा, अंकल मैं श्रद्धा को कमरे में लेकर जा रहा हूँ, आप प्लीज डॉक्टर को लेकर आइए ऊपर। हाँ बेटा। डॉक्टर साहब जल्दी पहुंचिए। डॉक्टर साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उसका कितना खून निकल गया था, मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए। जिस दिन की चोट नहीं है उससे ज्यादा तो आपका बीपी बढ़ गया होगा। देखिए छोटी सी चोट है, मैंने पट्टी भी कर दी है, ठीक हो जाएगी, प्लीज डोंट वरी। छोटी चोट में इतनी दर्द होती है क्या? देखिए मैंने दर्द के लिए पेनकिलर दे दिया है, आप इन्हें थोड़ा सोने दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी दर्द हो तो मुझे एक बार फोन कर लीजिएगा, ठीक है? और ये कुछ मेडिसिन है ये मंगा लीजिएगा, मैं चलता हूँ। ओके पापा, मैं सब संभाल लूंगा, बस ये नौकरी लग जाए, दुकान वापिस शुरू हो जाएगी, और अभी तक के लिए मैं राशन डलवा देता हूँ। जीजू जी देखो ना, किताब में कवर नहीं जा रहा। जी पापा। हाँ श्रद्धा अभी ठीक है, मम्मी का है ठीक। ओके पापा, ये ले, सीधा स्कूल जाना। थैंक यू जीजू। हेलो जी, मैंने ही एप्लीकेशन दी थी नौकरी के लिए। हाँ मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। श्रद्धा आराम से, आराम से। आराम से टेक लगा के बैठ। नहीं अभय, मैं अब ठीक हूँ। आपको कल जाना था ना, आप आज जा सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक है, आपको मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे ही मेरे साथ होता तो तुम चली जाती? वैसे क्या लगता है, आज इंटरव्यू है मेरा, नौकरी मिलेगी मुझे?
तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तुम आराम करो। खुश रहो। खुश रहो। कैसे तू गया था बेटा? नहीं मम्मी, थोड़ा सा खा लो, मैं अब ठीक हूं। मैं आज ऑफिस जाऊंगी क्योंकि मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। हाँ बिल्कुल, जब पति दिन रात सेवा कर रहा हो ठीक तो होना ही था। हाँ बेटा, अभय पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात उसे तुम्हारी चोट और तुम्हारी तबीयत की फिक्र थी। चार पांच बार तो उसने तुम्हारा बीपी चेक किया है, हम तो अपने कमरे में ही थे, बार बार तुम्हें देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, अभय था ना यहाँ पर। लेकिन हाँ बेटा, जो तुम्हारा फैसला है वही हमारा भी फैसला है। अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूं। श्रद्धा बेटा, जब कोई किसी को बहुत प्यार करता है ना, तो उसे जरा सी चोट का दर्द भी महसूस होने लगता है। वही हाल हमने कल अभय का देखा। मैं ये डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, ऑफिस जाने से पहले खा लेना। श्रद्धा, एक बात बताओ, जब तुम्हारी अपनी बहन कीर्ति ने तुम्हें इतना परेशान किया, इतने दुख दिए, उसके बावजूद तुमने उसे माफ कर दिया, तो एक मौका अभय को क्यों नहीं दे सकती बेटा? एक बार फिर सोच ले। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, बस श्रद्धा जल्दी घर वापस आ जा माता रानी। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। आरती, अरे तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत मिल गया हो तो थोड़ा माँ का हाथ भी बटाओ रसोई के काम में। मम्मी मैं ना आपका पक्का हाथ बटा देती, पर मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, अभी इम्तिहान सर पे और कॉलेज का सारा काम करके देना है। एक काम करते हैं, मैं ना कॉलेज में कुछ खा लूंगी और आप भी बाहर से मंगा लीजिए, आप फिर आराम करना, अभी मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। पता नहीं कब इसे अकल आएगी, तो समझ ही नहीं। पागलपन की निशानी होती है अकेले अकेले बतियाना। किससे बातें कर रही है अब? अरे वो तो कब की जा चुकी। हमें ना आप पर बड़ी दया आ रही है भाभी। कहा आपका पहले चेहरा खिला हुआ गुलाब की तरह हुआ करता था, और अब देखिए मुरझाया हुआ फूल सा हो गया है। हाँ हाँ, पहले आपकी कमाओ बहू। हमारा मतलब है आपकी बहू, घर का सारा काम कर लिया करती थी ना, और आप बैठकर महारानियों की तरह ऐश करती थी, फिर चाहे चूल्हे से लेकर सफाई हो या बाजार से लेकर धुलाई, सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही तो थी। लेकिन अब देखिए सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है। वैसे अगर अभय चाहे तो वो वक्त वापस आ सकता है, और आपका जो वजन कम हो गया है वो फिर से बढ़ सकता है। वैसे चलिए, हमें ना आप पर भाभी बहुत दया आ रही है, तो हम जरा आपका हाथ बटा ही देते। हाँ अच्छा, ये लीजिए।
दीजिए ऋतु, मेहनत का काम है, आपके बस की बात नहीं है, आदत नहीं है ना आपको। अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है तनुजा। ये लीजिए। अरे हमारे घर में खाना बना ही था, फिर आप क्यों अपने हाथों को तकलीफ दे रही हैं? हम ले आए। अरे भाभी रहने दीजिए, हमारे घर में भी ना चूल्हा रोज जलता है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी। हाँ अरे चिंता तो अब हमको दूर दूर तक नहीं होती, जब से कीर्ति और उसके आने वाले बच्चे की खुशखबरी मिली है ना, तब से ही ना कोई चिंता है और ना ही कोई तकलीफ। और हमने तो फैसला ले लिया कि अब सोनिया इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी, बस। सोनिया, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा अपनी पैर इस चौकट में रखने की? निकलो यहां से। इसको तो मैं अरे कीर्ति के नाम कोर्ट का नोटिस आया तो मैं नैना आंटी को ढूंढ रही थी। कीर्ति के नाम का कोर्ट का नोटिस? अंदर आओ तुम। अरे नौटंकी बंद करो और आके हमें कागज दिखाओ, जल्दी आओ। दिखाओ। अरे दिखाओ। वरुण, आप और कीर्ति अभी के अभी घर वापस लौटिए। आराम से, ऐसे हाथ मत मोड़ो अपना। लाओ मैं कर देती हूं। अभय का कॉल? हेलो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। श्रद्धा, अभय जहां गए थे उन्हें वहां नौकरी मिल गई। मम्मी, मैं दफ्तर के लिए निकल रही हूँ, वो हमारे ऑफिस में एक नया इंटर्न आया है, उसको काम सिखाना है, तो सर ने बोला है जल्दी आने के लिए। बेटा माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद तुम पे बनाए रखे। अच्छा रखती हूँ। श्रद्धा देख बेटा, अपनी चोट का ध्यान रखना और दवाई टाइम पर लेना, भूलना मत, ठीक है? जी। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? इस बात का जवाब तो कीर्ति ही बेहतर दे पाएंगी। इनके नाम से ये नोटिस आया है घर पे और इसके मुताबिक इनको 5 लाख रुपए की भरपाई करनी है, क्योंकि इन्होंने कोई मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। जब घर पे बात नहीं बनी तो आप मेरे पीछे मेरे ऑफिस तक चले आए। मेरी नौकरी लगी है यहाँ, तुम्हारा नया इंटर्न हूँ मैं। अभय नाम है इसका, वो मेरा इंटर्न है नया। मुझे लगता है कि अभय की शादी तो नहीं हुई। इसकी नजर तो ऐसी है जिसको एक बार देखे बस दिल दे जाए।